हेलो दोस्तों, आज हमारे फैशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से जितने भी सवाल क्लास 8, 9, 10 या फिर कंपटीशन में जो भी सवाल आता है उस टाइप को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग देखेंगे आज ब्रेथ से संबंधित, ब्रेथ से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, सबसे नंबर वन जो हम लोग लिया यानी कि यहां पे ब्रेथ लिया, तो ब्रेथ से संबंधित यानी कुछ ना कुछ प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये सभी प्रश्न को बारीकी ढंग से यानी कि बनाना होता है। अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आंसर अनाप के शनाप पहुंच जाता है, और अनाप के शनाप पहुंच जाता है तो वहां पे यानी कि हम लोग को मेहनत किए हुए भी क्या हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है। तो हम लोग को यानी कि ब्रीज से जितने भी सवाल आएंगे तो उससे यानी कि प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, हर संभव रखना है कि यानी कि एकदम बना ही के छोड़ना है, आंसर एक नंबर एकदम करेक्ट मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले यानी कि बनाने से पहले तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं और इस फॉर्मूले को जब तक हम लोग भी के जितने भी फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले के याद नहीं रखेंगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। यानी कि प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग को यानी कि फॉर्मूले की आवश्यकता है, सूत्र की आवश्यकता है। तो देखिए, हम लोग सूत्र देखते हैं। सबसे नंबर वन यानी ब्रीथ। ब्रीथ हम लोग यानी बचपना से ही पढ़ रहे हैं कि ब्रीथ क्या होता है। तो ब्रीथ यानी एक सर्कल होता है यानी गोल आकृति के अगर कोई डायग्राम है तो हम लोग उसको कहेंगे कि यह ब्रीथ है। यानी यहां से एक पोजीशन से चला जो यानी एक पोजीशन पर आकर के क्या हो गया, यानी एक राउंड घूम गया, तो हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, वृत्त पर कहीं ना कहीं वह व्यक्ति चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, वृत्त, वृत्त में यानी कि क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र, यानी केंद्र। अब देखिए, केंद्र से अगर हम लोग यहां तक के दूरी को मापते हैं यानी केंद्र को ओ मान लिए, इसको ए मान लिए, तो यानी ओ से जो हम लोग ए तक के यानी डिस्टेंस को कवर किए इसी को हम लोग यानी कि त्रिज्या कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं। अब देखिए, तो ओ से ए तक के जो डिस्टेंस हम लोग निकाले उसको हम लोग त्रिज्या दे दिए, तो इसी प्रकार से अगर इस रेडियस को हम लोग और दुगना कर दिया जाए यानी डबल कर दे तो अब हम लोग यहां बी पोजिशन पर पहुंच जाएंगे। अब बी पोजीशन से एफ पोजीशन तक के हम लोग डिस्टेंस को कवर करेंगे तब हमारा क्या कहलाएगा, तो यानी बी से ए जो आपका कहलाएगा वो आपका डायमीटर कहलाता है, और डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं। तो यानी आपने देखा कि ओ ए जो है वो त्रिज्या होता है और ए और बी या तो बी या ए जो है ये हम लोग जो मेजरमेंट किए डिस्टेंस को कवर किए वो हम लोग का डायमीटर कहला है। अब इस डायमीटर को हम लोग बड़े अक्षर यानी कि एबीसीडी का डी से सूचित करते हैं, डी मींस डायमीटर, और यहाँ पे इसको हम लोग सूचित करते हैं आर से, आर मींस रेडियस, यानी रेडियस मींस त्रिज्या, डायमीटर मींस यानी व्यास। तो यहां त्रिज्या जो होता है हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास के क्या होता है, यानी व्यास का आधा होता है, यानी आधा होता है। यहां पे हम लोग शॉर्ट में इसको याद रखेंगे कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास के क्या होता है, यानी कि आधा होता है। तो क्या यहां पे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि व्यास इक्वल टू जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी यहां लिख देंगे दुगुना होता है।
अब यहां पे देखिए कि हमारा व्यास और त्रिज्या तो क्लियर हो गया कि यानी कि त्रिज्या जो होता है यानी जो सबसे बड़ी जीवा हम लोग इसको जीवा नाम देंगे यानी जीवा कहते हैं यानी वृत्त के जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास कहलाती है। यानी कि यहाँ पे हम लोग वृत्त लिए और वृत्त में ए जो आपका बड़ी जीवा हो गया यानी कि ए और यहाँ पे जेड यानी ए जेड जो आपका हो गया ये बड़ी जीवा हो गया और बड़ी जीवा आपका क्या कहलाएगा यानी कि व्यास कहलाएगा। अब इस जीवा को हम लोग हाफ कर देंगे तो हाफ कर दे किस बिंदु से ओ बिंदु से यहां हम लोग कहेंगे कि ओ जेड या यानी कि ओ ए इक्वल टू आपका जो होगा वो क्या होगा त्रिज्या होगा यहां हम लोग क्या नाम दे दिए यानी कि ओ जेड या ओ इक्वल टू आपका त्रिज्या हो गया और ए जेड यानी सबसे बड़ी जीवा जो आपका कहलाया वो आपका व्यास कहलाया। व्यास को हम लोग डी लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं यानी डी का मतलब कंफर्म हो गया कि व्यास होता है और आर का मतलब क्या होता है यानी कि त्रिज्या होता है। अब इससे देखिए इतना तक है तो क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे पहले यानी कि त्रिज्या आपको जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम लोग यानी कि वृत्त से संबंधित सवाल को क्लियर नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें पता क्या होना चाहिए तो त्रिज्या पता होना चाहिए या फिर डायमीटर पता होना चाहिए या फिर आपका परिधि पता होना चाहिए या फिर क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए तभी हम लोग यानी कि वृत्त से जितने भी सवाल हैं उन सभी सवाल को क्या करेंगे यानी कि बनाएंगे। तो देखिए यानी कि जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो आपका सबसे पहला जो होता है वो वृत्त में यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे नंबर वन में वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है यानी आपको याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। जहां याद रखिए जहां पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 या 3.14 होता है। इसका स्पेशल यानी कि नोट में आपको याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है जहां पाई का वैल्यू 22/7 रखना है या रियल केस में क्वेश्चन जब बनाइएगा तो 3.14 आपको लिखने के लिए देगा तो आपको इसी पर आपको क्या करना है प्रश्न को सोल्व करना है। आप देखिए जब वृत्त का क्षेत्रफल तब वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालेंगे तो ये देखिए वृत्त है अब वृत्त के अंदर यानी कि ये जो भाग है ये पूरा पार्ट यानी कि हमको ईटा बिछाना है टाइल्स लगाना है कुछ भी करना है तो ये जो भाग का अंदर अंदर हम लोग काम करेंगे तो अंदर अंदर काम किए यानी जो ईटा बिछाने में लगा यानी कि वृत्ताकार पार्क है तो उसमें कितना ईटा लगेगा कितना यानी कि और कुछ बिछाने में कितना खर्च होगा तो इसमें हम लोग अंदर जो काम किया यही मेरा क्षेत्रफल होता है। यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला अंदर यानी कोई भी सर्कल के अंदर अगर कोई एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर जहां पाई का वैल्यू 22/7 रखना। आप देखिए दूसरा वृत्त की परिधि अब वृत्त की परिधि इक्वल टू जो होता है वो 2πr होता है यानी आपको याद रखना है कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है जहां मान लेते हैं कि ये आपका सर्कल है और यहां से आपको कोई भी पार्क हो बाहर बाहर का करना है घेरना है तो घेरना इस कांटे से इस प्रकार से आपको घेरने की जब बारी आएगा तो आपको हमेशा परिमिति या परिमाप निकालने की आवश्यकता पड़ेगा तो आप यहां भी क्लियर हो गए परिमाप और परिमिति हम लोग कब निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यानी कि हम लोग सबसे तीसरा जो आपका है सूत्र वो वृत्त
कि यानी आपको से त्रिज्या पूछे। वृत्त की त्रिज्या बराबर आपको याद रखना है कि व्यास बटा यानी कि 2 होता है। यानी इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि आर बराबर डी बाई 2 आपका रेडियस इक्वल टू होता है। तो ये हो गया तीसरा। अब यहां पे देखिए चौथा हम लोग देखेंगे कि वृत्त का जब त्रिज्या देख लिए तब वृत्त का व्यास भी तो देखना चाहिए। तो वृत्त का व्यास इक्वल टू आपको याद रखना है कि 2 गुना यानी कि त्रिज्या होता है जो हम लोग फर्स्ट में यानी देखे। यानी फर्स्ट में हम लोग देखे कि व्यास जो होता है तो त्रिज्या के कई गुना होता है यानी कि 2 गुना होता है। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे तो 2 × यानी कि आर लिखना पड़ेगा। तो आप यहां तक के अभी तक के क्या होंगे, क्लियर होंगे। यानी कि आपको पूरा वृत्त से यही 4 फॉर्मूले को याद रखना है और यही 4 फॉर्मूले से आपका प्रश्न क्या होंगे यानी कि बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, यानी कि अब प्रश्न कैसा कैसा पूछेगा। देखिए प्रश्न आपसे जो पूछेगा वृत्त से संबंधित, अब देखिए एकदम इजी यानी कि बेसिक लेवल से हम लोग को हाई लेवल करके जाना है। यानी कि सबसे छोटा छोटा प्रश्न को देखते देखते एक दिन बड़ा बड़ा प्रश्न हम लोग देखना शुरू कर देंगे। बस कुछ समय आप क्या कीजिए, वेट कीजिए, आपके पास छोटे से बड़े सवाल दिखेंगे। तब मान लेते हैं कि यहां देखिए वृत्त की यानी त्रिज्या इक्वल त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको वृत्त का यानी कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, पहला प्रश्न आपको दे दिया। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या कह दिया 7 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त है, इस वृत्त का यानी कि त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपको निकालना क्या है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। कुछ मत करिए, वृत्त का क्षेत्रफल लगाइए फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल याद है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 होता है, आर का वैल्यू आपको दे रखा है 7 × 7, इस 7 से 7 काट दीजिए, यहाँ पे 22 बच गया और 7 बच गया, गुना करिएगा तो 154 सेंटीमीटर² आपका आंसर आएगा। अब इसी में और यानी कि हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ज्ञात करें। वृत्त का व्यास इक्वल जो आपको लिखना है कि वृत्त का व्यास बराबर जो होता है वो 2 × यानी कि आर होता है। तो 2 × r, r आपको पता है कितना यानी कि 7। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 7 × 14 सेंटीमीटर आपका होगा। अब जब आपको ये मालूम रहता तो आप त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर लेते कि त्रिज्या क्या आएगा, तो 7 आएगा। क्यों, क्योंकि व्यास 14 है, तो त्रिज्या हाफ कर लेंगे तो यानी कितना जगह 7 आ जाएगा। अब देखिए यानी कि नेक्स्ट सवाल आपसे कहेगा कि वृत्त की परिधि निकालिए। यानी देखिए आपसे कहेगा वृत्त की परिधि ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। अब देखिए तब वृत्त का यहां लिखना है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, तो पाई का मान 22/7, आर देखिए आपको दे रखा है कितना 3, तो 3 रख देंगे, कोई इशू नहीं आपको। तो यहां 22 दिया 66 में, तो 6 × 12 = 13 यानी 132/7 क्या आ गया, यानी 7 आ गया। अभी सेंटीमीटर है, इतना लिखिए नहीं तो भागा दे दीजिए, यानी 7 × 1 = 7 यानी 1 आ गया, बच गया कितना 12। फिर आपका आ गया 7 × 7 यानी कितना बच गया, अब यहां 7 × 7 तो बच गया यहां पे, सॉरी
यानी अगर सात से इसको भागा दे 132 को तो एक बार में यानी सात बज गया छ। अब दो सतना में 63 ज्यादा आता है तो सात अठी क्या होगा 56, यहाँ बच गया 12 तो 6 यानी कैंसिल। पॉइंट बैठाएंगे तो 0 सात अठी क्या हो गया 56। फिर यहाँ क्या बच गया बाबू, यहाँ देखिए 4 सात 25 क्या होता है 35, यानी 18.85 सेंटीमीटर आपको आंसर आएगा। तो देखिए कि हम लोग इस प्रकार से क्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। अब देखिए आपको से पूछेगा कि वृत्त में त्रिज्या निकालने के लिए बोल देगा, परिधि दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए व्यास क्या होगा। जैसे मैं मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं अपने से, यहां पे ले लिया वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की परिधि एवं व्यास ज्ञात करें। चलिए स्टैंडर्ड सवाल हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है 154, आपसे पूछा वृत्त के परिधि बता और क्या बता यानी कि व्यास बता। आप व्यास हम लोग कैसे बताएंगे, जब तक त्रिज्या पता नहीं लगा तब तक हम लोग व्यास क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है 154 दिले है, होता क्या है तब पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हो गया। अब यहाँ पे 22 सत्य देखिए काटिए 54 से, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 भागा में है तो गुणा में, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर से स्क्वायर यानी आर बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, वृत्त की परिधि निकालना है। लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो 2 × π का मान 22/7, r का वैल्यू 7 × 7 यानी आपका भी आंसर आ गया परिधि का 44 सेंटीमीटर। अभी भी एक और पूछा है कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 × r, तो 2 × यानी त्रिज्या था 7, तो 7 × 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया यानी कि व्यास भी आ गया। तो आपको यहां तक के अभी तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, यानी आप इस प्रकार से इजी वे में सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद।